वो स्टेज एक ऐसा है ना जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो हसल यार एक हिप हॉप के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो मेरा गाना था ड्रीम गर्ल जिससे मैंने ओपनिंग की थी हसल की। छोरा सरे आम देख तनाट दे रहा प्यार दे रहा घूमन न कार दे रहा जाकत की जान लेगा मानेगी। टॉप के बंदे सब आए हुए हैं वहाँ पर और सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं जो सबके लिए थ्रेट बन सकता है। वो मेरी तरफ से गोश इनसे बेस्ट तो मुझे कोई आर्टिस्ट लगता ही नहीं है। और कोई कमी नहीं थी मेरी तरफ से, मैंने अपना 100% दिया। हाय साहिल बादल, पर्सनली वेलकम टू टेलीचस्ट का दूसरी वृद्धि। एंड यू नो आपकी परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा कमाल धमाल रही है। जी जजेस काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, सो उस बारे में बात करेंगे। पहले आप अपनी जर्नी किस तरह से देखते हैं अब तक? बड़ी अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी और बहुत मज़ा आया मुझे एक्चुअली। और वो स्टेज एक ऐसा है ना जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता था मैंने अपने आप को किया और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जर्नी थी मेरे लिए यार। हसल में आने के पहले भी आपने कई सारे म्यूजिक वीडियोस एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, तो हसल में आने का मेन रीजन क्या था? आप क्या चाहते थे हसल में आने के लिए? सो एक्चुअली मैंने अपने करियर की जर्नी स्टार्ट की थी एज अ सिंगर और आई वॉज इन सच डील्स और कुछ ऐसे फेज चल रहे थे जहाँ मैं हिप हॉप के साथ नहीं जुड़ पाया लाइफ के अंदर ना। और हिप हॉप से मैं कहीं दूर हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट मेकिंग हिप हॉप म्यूजिक उस टाइम पर। दोबारा से जब जैसे ही मुझे रियलाइज हो गया यार नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट बिकॉज हिप हॉप ही मैं हमेशा से करना चाहता था बचपन से। तो मैंने इसको दोबारा से रिवाइव किया स्टार्ट किया हिप हॉप के अंदर एक्टिव हुआ। एंड हसल 3 का फिर मुझे मैंने गाना सॉरी मैंने एक गाना निकाला था दिस इज हरियाणा। तो हाँ तो उससे मुझे हसल के लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिला। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया एंड फिर आई वेंट फॉर द ऑडिशंस। और क्योंकि हसल यार एक हिप हॉप के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं अपने आप को एज एन हिप हॉप आर्टिस्ट एस्टैब्लिश करना चाहता था तो दैट्स व्हाई आई डिड हसल। सो यू नो पहले भी 2 सीजन आ चुके हैं। सीजन 1 काफी हिट था, सीजन 2 काफी हिट था, तो तब आपने ट्राई किया था हसल में आने के लिए या इसी टाइम ट्राई किया? नहीं, मैंने तब नहीं ट्राई किया था बिकॉज तब मतलब मैं ऑलरेडी कर रहा था बट हसल 3 के अंदर ज्यादा जाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता था एज एन हिप हॉप आर्टिस्ट। तो जैसा कि आपने कहा कि आप रैप से दूर हो रहे थे, हिप हॉप म्यूजिक से दूर हो रहे थे, तो पहला रैप कौन सा था जो आपने लिखा था? और आप हमें अगर 2 लाइन उसकी सुना सके तो, इफ यू रिमेम्बर। यार पहला रैप तो बड़ा ही बेकार था अगर मैं लिखूं तो बहुत पहले लिखा था वो तो 2016 में, वो तो याद भी नहीं। बट अपने हसल की ही कुछ लाइनें अगर मैं बोल सकता हूँ अभी जो फिलहाल मैंने गया था तो मेरा गाना था ड्रीम गर्ल जिससे मैंने ओपनिंग की थी हसल की। सो मैं वही सुना देता हूँ आपको। कसम नाने की तने बात करी छोरी दो आने की छोरा सरे आम देख तने लाड दे रहा प्यार दे रहा घूमन ना कार दे रहा जाकत की जान लेगा मानेगी। मैं गणा आई फाई कोनी मैं सुनू अरी जीत ओ सुनती है टोनी अ गुस्से में धाड़ दे जी मार देवा कोनी मकवा छोरी बेटे तेरे लेवल की कोनी वाह, बहुत अच्छा। एंड इन सब के अलावा कंपटीशन कौन तगड़ा है, या आपको लगता है कि आपके कंपटीशन में हमेशा से ही वो लोग थे? कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बार क्योंकि बिल्कुल जो क्रीम कहते हैं ना जिसको हिप हॉप की क्रीम मतलब टॉप के बंदे सब आए हुए हैं वहाँ पर और सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं यार। सब अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती हमारी इतनी हो गई है कि कंपटीशन कंपटीशन लगता ही नहीं है। बस ऐसा लगता है कि हम बस सब जा रहे हैं चिल कर रहे हैं और अपने अपने गाने गा रहे हैं एक दूसरे को सुना रहे हैं तो कॉम्पिटिशन वाली जैसी कोई वाइब नहीं है। बट बहुत ही अच्छे अच्छे बट जो जिस बंदे को जो सबके लिए थ्रेट बन सकता है वो मेरी तरफ से गोश शेन बी और केडन ये तीन तीन लोग हैं जो मुझे लगता है कि सबके लिए थ्रेट बन सकते हैं कंपटीशन के अंदर।
स्क्वाड बॉसेस के साथ में एक्सपीरियंस कैसा था लाइक, उन्होंने आपको इस जर्नी में इवॉल्व होने में कितनी मदद की है एंड क्या कुछ सीखा है आपने स्क्वाड बॉसेस से? स्क्वाड वर्सेस बहुत ही स्वीट है यार। अगर आपकी कोई गलती होती है या गाने में, अगर आपको उनको लगता है कि यार ये गाना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इसको दोबारा से नया बना सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल थे वो सब। और इक्का भाई के मैं स्क्वाड में था, और उनसे बेस्ट तो मुझे कोई आर्टिस्ट लगता ही नहीं है, और बहुत ही उन्होंने सपोर्ट करी। मैं उनको गाने भेजता था अपने, जो भी मैं परफॉर्म करने वाला होता था, तो या उन्होंने काफी हेल्प करी। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी असल गेम से आउट होने का रीजन क्या हो सकता है? अभी आप एलिमिनेट हो चुके हैं तो काफी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बिकॉज जो हुआ बहुत रैंडम हुआ। जो मेरे ओपोनेंट थे पोइट शेफ भाई, जिनके साथ मेरा बैटल हुआ, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, मैंने भी बहुत अच्छा किया। मतलब कमी, आई कैन से के आई केम विद माई हेड्स अप, और कोई कमी नहीं थी मेरी तरफ से। मैंने अपना 100% दिया, और उन्होंने फ्री स्टाइल किया, जो बहुत ही एक आउट ऑफ द बॉक्स था, और बड़ा ही सरप्राइजिंग था सबके लिए कि उन्होंने अपने मेन गाने को ना गाते हुए उन्होंने फ्री स्टाइल गाना गा दिया। तो उसकी वजह से आई गॉट एलिमिनेटेड, बट कोई बात नहीं, जो भी जजेस का डिसीजन था वो सिर आंखों पर है, और सबने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया। इसके बाद आपका कोई और रियलिटी शो करने का प्लान है लाइक बिग बॉस हो गया या फिर रोडीज वगैरह कुछ? नहीं, रियलिटी शो जितना मतलब टफ जॉब मुझे कोई नहीं लगी यार आज तक, सच में, तो सच बता रहा हूँ मैं। बिकॉज आप यूँ लगा लो कि सुबह 7 बजे से लेके रात को 4 बजे तक आप शूट के ऊपर होते हो, और इतना ज्यादा एग्जॉशन हो जाता है, बिकॉज जिसकी लास्ट के अंदर बारी आ रही है, और उसके उसका तो हालत आप जान सकते हो कि भी कैसी होगी परफॉर्मेंस करने। तो आई थिंक इट्स अ रियली टफ जॉब, बट मैं एक वंस इन अ लाइफ टाइम मैंने मुझे एक्सपीरियंस करना था रियलिटी टीवी, एंड आई हैव डन दैट। तो लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगे, अगला आप कौन सा नया सॉन्ग ड्रॉप करने वाले या क्या कुछ रखा है आपने बैक ऑफ द माइंड के ये प्लान है ये अगला स्टेप? अभी बहुत कुछ आने वाला है, आता जाएगा, जल्दी जल्दी आता जाएगा, बट अभी मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और काफ़ी कोलेब्रेशंस भी हैं, तो वो सब आएंगी फॉर श्योर। बस स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच।